हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और टीवी कई लोगों की ख़त्म हो चुकी है, कई लोगों की होने वाली भी है अभी, लेकिन सबके मन में ये ज़रूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आज उसी डाउट को क्लियर करने का मैं प्रयास करूँगा। पिछली बार की तुलना में हम लोग पता करेंगे कि कितना कट ऑफ गया था फाइनल का, डीवी का कट ऑफ और फाइनल के कट ऑफ का हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, मैंने बेस्ट माना है 2019 को, क्योंकि ये लेटेस्ट है और इसमें पता चलेगा कि डीवी में कितना कट ऑफ गया था और फाइनल का फिर कितना कट ऑफ गया था, उसके हिसाब से एक रेंज बना दिया जाएगा और तब जाके अंदाज़ा लगाना थोड़ा इजी हो जाएगा कि हाँ इतना एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे एक देखिए टेबल है, इस टेबल को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। रेशियो किस रेशियो में आखिर बुलाता है, ठीक है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि वैकेंसी जो है उसके रेशियो के हिसाब से यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया जाता है डीवी के लिए। ठीक है, अब देखिए 10 से कम या 10 के बराबर अगर वैकेंसी कहीं पर है, ठीक है, इधर मान लेते हैं कि 10 से कम यानी कि 8 वैकेंसी किसी कैटेगरी में है, तो उस कैटेगरी के 3 बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी एक सीट पर कितने बच्चे फाइट करेंगे, 3 बच्चे। अगर 10 से ज़्यादा है, अगर 10 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 से ज़्यादा कैंडिडेट, मान लेते हैं इधर 100 है या 15 भी हो सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, और 15 भी हो सकता है, ठीक है, तो दोनों को ही हम लोग ले लेते हैं। अगर 10 से ज़्यादा कैंडिडेट है तो फिर क्या होगा, 1:2 में बुलाया जाएगा, लेकिन अगर 15 है तो क्या बुलाया जाएगा, नहीं, कम से कम कितने होने चाहिए, 30 बच्चे होने चाहिए। अगर 30 बच्चे हैं जो कि 10 से ज़्यादा होता है तो 1:2 में बुलाया जाएगा कैंडिडेट को। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए कि कितने बच्चों के बीच में आपका फाइट है, 2 बच्चों में या फिर 3 बच्चों में, बस यही तो 2 कैटेगरी था। तो इसके बाद अब देखिए प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड यहाँ पे दिया है, हमें इससे मतलब नहीं है, हम लोग सीधे आते हैं कट ऑफ पर। ठीक है, हालांकि अगर आप ये भी देखना चाहें टेबल, तो यहाँ पे कितने बच्चे जो हैं क्वालिफाई किए थे, तो ये डेटा मैं पहले भी वीडियो इस पर बना चुका हूँ, इस पर कुछ खास अब नया है नहीं, आप पुराना वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, मैंने पूरा डिटेल में बनाया था वीडियो इस पर। चलिए मैं सीधे कट ऑफ पर आपको लेकर चलता हूँ कि मिनिमम कट ऑफ कितना गया था। एक बार यहाँ पर देखिए 18 से 25 एज वाले का दिया हुआ है, ठीक है, 18 से 25 एज वाले का ये है। ठीक है, अब इसमें मिनिमम कट ऑफ किस स्टेट का गया था, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। सबसे मिनिमम गया था महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र सबसे मिनिमम और सबसे लोवेस्ट भी इसको रखा था। देखिए यहाँ पर अगर यूआर की बात करें तो 81.4729, ठीक है, ये क्या था, ये था कट ऑफ फॉर डीवी, डीवी में जो लोग क्वालिफाई किए थे उनका इतना मिनिमम होना चाहिए था। उसी तरह आप यहाँ पे पूरा कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, चलिए एक बार बता देता हूँ, आप लोग जिस कैटेगरी के हैं उसको समझ लीजिए। 81 गया था यूआर का, 42 गया था ओटीएच का, वीएच का 70 था, ओबीसी का 81 था, 51 था एचएच का, ओएच का 71 था, ESM का 42 था और ST का 72 था। SC की बात कर लें तो देखिए SC का 80 था और EWS का 81 था, यानी कि मिनिमम कट ऑफ ये 18 से 25 एज में इतना था। अब इसके बाद 18 से 27 का एज भी है, उसमें भी अगर आप चाहें देखना तो इसमें भी महाराष्ट्र का ही सबसे कम था, चलिए आपको ये भी दिखा देता हूँ। ओके, देखिए महाराष्ट्र में यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपको डिटेल में ये है, यहाँ पे जानकारी देखिए, यूआर का 83 गया था, वीएच का 70 गया था, 81 ओबीसी का और एचएच का 50, ESM का 42, 72, अच्छा ESM का हो सकता है कि किसी और स्टेट में कम गया हो, ठीक है, तो अभी पूरा PDF आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिलहाल हम लोग लोवेस्ट वाला देख रहे हैं। तो बाकी का देखिए ST का 72 गया था और SC का 80 गया था, EWS का 81 और सॉरी वो तो गुजरात का हो गया। तो इतने सारे कट ऑफ थे 18 से 27 के बीच में, तो आपने देखा कि सब जगह जो है किसका कम है, महाराष्ट्र का। अब आते हैं कि आखिर फाइनल कट ऑफ कितना गया था, आपने देख लिया कि लगभग 81 से 83 ही था, चलिए आपको दिखाता हूँ फाइनल कट ऑफ कितना गया था 2019 का। तो देखिए ये है मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ठीक है,
फाइनल रिजल्ट का ये कट ऑफ है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अच्छा एक चीज़ और कि अगर आप लोग ये कन्फ्यूजन में हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो उसके लिए वीडियो अगले दिन आएगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये फाइनल रिजल्ट था, जो कि अगर वैकेंसी की बात कर ले तो 8,992 थी वैकेंसी, काफ़ी ज़्यादा थी। और जबकि 2020 की बात करें तो इसमें 972 के करीब कुछ पोस्ट हैं, ठीक है, तो लगभग आधा के बराबर है। तो इसीलिए इस बार, लेकिन पिछली बार पेपर टफ था इसीलिए कट ऑफ कम गया था। फिलहाल हम लोग इसका आते हैं फाइनल कट ऑफ, देखते हैं महाराष्ट्र का कितना गया था, ठीक है। ये 25 से 28 एज ग्रुप, ठीक है। देखिए अब इसका महाराष्ट्र का अगर बात कर ली तो देखिए यहाँ पे कितना गया था फाइनल कट ऑफ, 84 गया था EWS का, SC का गया था 83, ST का गया था 77, ESM का 47, OH का गया था 75 और HH का 56, ठीक है। OBC की बात कर ले तो यहाँ पे जाएगा 84 गया था, जाएगा क्या गया था, और उसके बाद VH का 77 और OTH का 46, UR का 85, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था ऊपर में कि 81 गया था DV के टाइम, जो कि अब फाइनल बनते बनते 4 नंबर का लीड ले चुका है, 85 चला गया था, ठीक है। तो यानी कि इससे कंक्लूजन यही निकल रहा है, देखिए अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन यही निकल रहा है कि अगर आपका 3 से 4 नंबर का लीड है, ठीक है, 3 से 4 यानी कि ये तो पिछली बार का था जब पेपर थोड़ा सा इजी था 2019 में, फिर भी अगर बात कर ले अगर टफ़ पेपर की, क्योंकि 2020 वाला काफ़ी टफ पेपर था, तो इसमें अगर 2.5 से, ठीक है, कम से कम मैं मान रहा हूँ कि 2.5 से 3.5 के बीच में आपका बढ़त है, आपके कट ऑफ से अगर इतना बढ़त है तो फिर आपका फाइनल हो ही जाएगा, ठीक है, इतना मेरा ये मानना है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जिस भी कैटेगरी में है इतने मार्क्स जोड़ लीजिए, अगर 2.5 से 3.5 मार्क्स आपके ज़्यादा हैं तो श्योर है कि आपका बनने का चांस है, ठीक है। फिर भी ये वेरी कर सकता है, मैं इसका गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये एक्सपेक्टेड है। और इससे पहले भी 16 वाले में अगर हम लोग देखें तो 16 का भी लगभग ऐसा ही कुछ रेंज था, उसमें 4-5 नंबर की बढ़त थी। पेपर जब इजी आता है तो 4-5 नंबर बढ़ जाते हैं, पेपर जब टफ आता है तो लगभग ये 2.5 से 3.5 बढ़ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस बार 2.5 से 3.5 ही बढ़ेंगे। तो अब अगर आप जिस कैटेगरी से भी हैं उसमें ये जोड़ लीजिएगा 2.5, या अगर और भी ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहते हैं तो 3.5 नंबर एटलीस्ट जोड़ लीजिए, ठीक है, इतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो कैसा लगा आपको ये एनालिसिस और क्या आपके मन में क्वेश्चन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, और वो वीडियो होगा कि कितने दिन में इसका फाइनल रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहें चैनल के संग, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।